Hi to all of you, those are watching my video. I am Megha. Today we will cover spermatogenesis and sperm structure. This is part 3 of human reproduction. And before going through this chapter, just see my previous video so that you can easily understand these topics. And in the spermatogenesis, many terms are there like spermiation and primary spermatocytes, secondary spermatocytes and so on. So many of you get confused in these terms. Watch this video till the end. I assure you that you will easily understand all these terminology, right? So let's begin. Just a general information for you that on the basis of the location of testes, organisms are classified into 3 categories. Okay, location of testes ke base pe organism ko 3 category mein classify kiya gaya hai. First is testes descend in the scrotum in breeding season only. Okay, testes jo hai स्क्रॉटम में ब्रीडिंग सीजन के टाइम में ही डिसेंड करती है. एग्जाम्पल इज बैट्स. टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. दिस यू ऑल नो ह्यूमन एंड हॉर्सेस. हियर द टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मीन्स एब्डोमिन के बाहर है. ठीक है, टेस्टिस ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल इन व्हेल्स एंड एलिफेंट. जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, नो नीड टू लर्न इट. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस. So first you all know about gametogenesis. Wherever you found this word genesis, it means something is originating. Okay, or we can say some formation of something is there. So in gametogenesis, what is formed? Gametes, right? Sex cells also, we call them sex cells as well. So here in the gametogenesis, there is a formation of gametes. And you know the male gamete is a sperm and the female gamete is the ova. So formation of sperm is what we call spermatogenesis. समझ गए? Formation of sperm. Sperm का बनना हो गया spermatogenesis. Oogenesis is the formation of ova. Oogenesis I will cover in next part. Right? Spermatogenesis is clear. Formation of sperm. So here we will learn how these sperms are formed. Sperms are also called spermatozoa. Spermatogenesis process gets completed in 2 steps. ये 2 step में complete होता है. ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इनको डिवाइड किया है. अदरवाइज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. ठीक है, सो फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंड इज द स्पर्मियोजेनेसिस. ओके, अभी हमने क्या बताया? स्पर्मेटोजेनेसिस. डोंट बी कन्फ्यूज इन स्पर्मियो एंड स्पर्मेटो. आई विल टेल यू लेटर. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टेक्स प्लेस इन 3 वेज. फर्स्ट फेज इज द मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड इज ग्रोथ एंड थर्ड इज द मैच्योरेशन फेज. ठीक है, जो स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. ठीक है, फॉर दिस लेट्स सी वन डायग्राम हियर. यू नो दिस इज अ डायग्राम ऑफ द टेस्टिस. ओके, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस इट इज. सो इफ यू कट द टेस्टिस यू विल सी दैट इनसाइड मेनी लोब्यूल्स आर देयर एंड ईच लोब्यूल कंटेन्स अराउंड 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, लोब्यूल्स के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. ओके, नाउ इफ यू सी द सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इट लुक्स लाइक दिस. ओके, इट इज़ अ सर्कुलर स्ट्रक्चर. बट टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू क्लियर वॉट इज हैपनिंग इनसाइड, आई हैड टेकन ओनली द 1/4 पार्ट ऑफ इट. ओके, चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इसका सेक्शन लिया है मैंने TS. ओके, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इट्स आउटर लेयर इज द जर्माइनल एपिथेलियम. ओके, जो बाहर की जो लेयर है, अभी ये वाली तो बेसमेंट लेयर है. ठीक है, ये बेसमेंट लेयर है. इसलिए ये जो लेयर होती है ये जर्माइनल एपिथेलियम होता है. इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. सो दीज आर द सर्टोली सेल्स. ओके, दीज आर द सर्टोली सेल्स एंड हियर यू कैन सी दीज आर द जर्म सेल्स. तो जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? जर्माइनल एपिथेलियम बनाते हैं. अब हम बात करते हैं जर्म सेल्स की. सर्टोली सेल्स केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे इधर और मैकेनिकल सपोर्ट देंगे. और भी फंक्शन होते हैं सर्टोली सेल्स के, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज. सर्टोली सेल्स अभी और भी काम करता है. इधर अभी आपको केवल फोकस करना है कि ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं? ऑल दीज सेल्स. ठीक है, ये जो सेल्स बन रहे हैं इनको. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जर्म सेल्स की. जर्म सेल्स में एक सेल, सपोज दिस इज द सेल विच आई हैड फिल्ड विद रेड कलर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेल. सपोज दिस अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म्स मेनी सेल्स. सो हियर मल्टीप्लीकेशन इज गोइंग ऑन. जर्म सेल्स
माइटोटिकली डिवाइड एंड फॉर्म्स मैनी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. अभी कौन से सेल्स बन रहे हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बन रहे हैं. माइटोटिकली मैनी सेल्स आर फॉर्म, दे आर नोन स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. स्पर्मेटोगोनियल सेल्स विल फॉर्म ए सेल्स एंड बी सेल्स. ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स डिवाइड होके, माइटोटिकली डिवाइड होके ए सेल्स और बी सेल्स बनाते हैं. माइटोसिस डिवीजन की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो अभी कितना है? 46. माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, राइट. मियोसिस में आधा हो जाएगा, 23 हो जाएगा. ओके, तो हियर द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, दैट इज 46. आई एम टॉकिंग टिल हियर. ओके, दिस प्लेस आई एम टॉकिंग ऑफ. मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बन गए. स्पर्मेटोगोनियल सेल्स दो तरह के हो गए, ए सेल्स और बी सेल्स. ए सेल्स बिहेव एज स्टेम सेल्स, दे बिहेव एज स्टेम सेल्स. नाउ व्हाट आर दीज सेल्स? स्टेम सेल्स होते क्या है? यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टेम सेल्स एंड द स्टेम सेल्स? ओके, द वन आई एम टॉकिंग ऑफ द स्टेम सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट स्टेम. ओके, एक तो प्लांट के स्टेम में प्रेजेंट होगी स्टेम सेल्स. नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टेम सेल्स विच हैज़ द कैपेसिटी टू डिवाइड ओवर एंड ओवर एंड अगेन दे डिवाइड. ओके, एंड दे फॉर्म्स न्यू सेल्स. सो इट इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक. स्टेम सेल एक बहुत बड़ा टॉपिक है. नाउअडेज रिसर्च इज गोइंग ऑन दीज सेल्स, माइट बी इन फ्यूचर दीज सेल्स कैन बी यूज टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स और ऑर्गन्स और टिश्यूज. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है. तो ए सेल्स क्या हो गए? क्या बनाएंगे? स्टेम सेल्स बनाएंगे. बी सेल्स, अब हमें फोकस क्या करना है? वी हैव टू फोकस ऑन द बी सेल्स. तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में बी सेल्स जो होते हैं दे ग्रो. ठीक है, पहला स्टेप हो गया मल्टीप्लीकेशन, मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गए, बहुत सारी सेल्स बन गई. ठीक है, अब इसमें ग्रोथ होगी. बी सेल्स दे विल ग्रो इन साइज, इसमें साइटोप्लाज्म बढ़ गया. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल अभी सेम है, 46 क्रोमोसोम ही हैं अभी. ठीक है, तो जेनेटिक ग्रोथ हो गई. ठीक है, ये सेल क्या हो गई? बढ़, इसका साइज बढ़ गया. इस सेल को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ओके, स्पर्मेटोगोनियल सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज फॉर्म बाई ग्रोइंग. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रोथ फेज. आफ्टर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस अकर, मियोसिस वन. सो वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल फॉर्म टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस वन डिवीजन होने के बाद दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे. ये प्रोसेस होता फेज है मैच्यूरेशन फेज. एम फॉर मैच्यूरेशन, एम फॉर मियोसिस. रिमेंबर दिस, इन मैच्यूरेशन मियोसिस अकर्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. सो ईच सेल, टू सेल्स आर फॉर्म, ईच सेल विल देन फॉर्म टू स्पर्मेटिड्स. ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल देन फॉर्म स्पर्मेटिड्स बाई मियोसिस सेकेंड डिवीजन. मियोसिस सेकेंड इज अ इक्वेशनल डिवीजन, राइट. सो क्रोमोजोम नंबर हियर इज अराउंड 23. हियर द क्रोमोजोम नंबर इज 46. नाउ क्रोमोजोम नंबर गेट्स हाफ, दैट इज 23. ओके, मियोसिस वन में ही 23 हो गया था, अभी जो मियोसिस सेकेंड हुई है उसमें क्रोमोजोम नंबर 23 ही रहेगा क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन होता है. ओके, ऑलराइट. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने मियोसिस होने के बाद. मियोसिस दोबारा मियोसिस होगी, सेकेंड मियोसिस, उससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स. सो दीज आर द स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोसाइट के जैसे ही लगते हैं, अभी ये स्पर्म जैसे नहीं लग रहे. सो हियर सम डिफरेंशिएशन अकर्स. नाउ दे गेट डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म्स स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटिड्स में चेंजेस होंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन दिस. सो दिस स्पर्मेटिड्स नाउ देन फॉर्म स्पर्मेटोजोआ. तो वो क्या क्या चेंजेस होंगे दैट वी विल सी विद इन अ फ्यू मिनट्स. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना. The formation of spermatozoa from spermatid, it is what we call spermiogenesis. देखिए, spermatogenesis तो ये पूरा process हो गया, the formation of spermatozoa from spermatogonial cell. ठीक है, ये पूरा process जो है, this is what we call spermatogenesis. अब spermio, mio जहाँ भी mi आ रहा है, mi से याद रहेंगे minimum, minimum होता है बहुत कम. तो ये छोटा सा step, that is the formation of spermatozoa from spermatids. इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. तो दोनों क्लियर हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस. नेक्स्ट टर्म इज द स्पर्मिएशन. नाउ एज आई सेड दैट ऑल दी सेल्स आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम दी सटोली सेल्स. सो दीज ऑल्सो स्पर्मेटोजोआ आर एम्बेडेड लाइक दिस. इनका जो हेड है वो सटोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है.
नाउ दिस हैड नॉट हैड हाँ यस दिस हैड गेट्स रिमूव फ्रॉम द सर्टोली सेल्स. सो दिस प्रोसेस बाई विच दिस स्पर्मेटोज आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स एंड दे एंटर इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, यहाँ से निकल के ये ल्यूमेन में आ जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के. दिस प्रोसेस इज स्पर्मिएशन. ठीक है, सिंपल वर्ड आई विल टेल यू. ये जो हैड है सर्टोली सेल से जुड़ा हुआ है, ये निकल के बाहर आ जाएंगे. कहाँ आ जाएंगे? ल्यूमेन में. यहाँ पर ल्यूमेन है, खाली जगह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बीच में, वहाँ आ जाएंगे. तो ये प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ऑल दिस थ्री आर क्लियर. नाउ अबाउट द नेम ऑफ द सेल्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ, ये सारे सेल्स हैं. ओके, एंड ऑल्सो स्पर्मेटोगोनियल. स्पर्मेटोगोनियल से स्पर्मेटोजोआ तक आपको ये सेल्स के नाम याद रखने होंगे. पहला क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं जो मल्टीप्लाई होकर बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं. दे फ्यू ऑफ देम ग्रो इन साइज एंड दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस वन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. दे अगेन गो मियोसिस सेकेंड टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटिड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म वॉट? स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ आर वॉट? दे आर द स्पर्म्स. स्पर्मेटोजोआ इज द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी. ठीक है, या इस डायग्राम से आई थिंक एवरी थिंग इज क्लियर टू यू. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, और ये सब टर्म्स क्लियर हो गए आई थिंक. चलो, दिस इज अ फिगर ऑफ द सेम विच आई हैव ड्रॉन एंड इन दिस यू कैन सी दीज स्पर्मेटोजोआ आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स. ओके, इनके सारे जो हेड्स हैं वो कहाँ एम्बेडेड हैं? सर्टोली सेल्स में, क्योंकि ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं. ऑल दीज सेल्स आर टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन और ऑल्सो मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑल दीज सेल्स. राइट, आप यहाँ से ये निकल के कहाँ जाएंगे? ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. हियर दे गेट नाउ हियर आफ्टर इफ दे एंटर इन द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्रॉम हियर दे आर एंटरिंग इन टू द नेक्स्ट दैट इज वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया टेक दैम टू द एपिडाइडमिस रीजन. दिस इज द एपिडाइडमिस. राइट, यहाँ से ल्यूमेन से लेके ये एपिडाइडमिस तक कैसे पहुँचे? ये सर्टोली सेल्स होते हैं, एक फ्लूइड सिक्रीट करती है. सर्टोली सेल्स ऑल्सो सिक्रीट सम फ्लूइड. विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लूइड दे एंटर इनटू द एपिडाइडमिस. उस फ्लूइड की हेल्प से ये निकल जाते हैं. कहाँ चले जाते हैं? एपिडाइडमिस में. नाउ हियर दे स्टोर टेम्परेली. यहाँ पे ये स्टोर रहते हैं. ठीक है, एपिडाइडमिस में इनका मैच्योरेशन होता है, इनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है एंड ऑल्सो देयर मोटिलिटी कैपेसिटी. ठीक है, मोटाइल हो जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है ना स्पर्मेटोजोआ का, इसे बहुत टाइम लगता है बनने में. स्पर्मेटोजोआ विद इन फ्यू डेज नहीं बन जाते. इट टेक्स अराउंड 2 to 2.5 months. तो दिस प्रोसेस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ओके, चलो यहाँ तक सब क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलो आगे देखते हैं. अब हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. एज वी हैव सीन, ये देखिए स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड से बने. अब स्पर्मेटिड्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं दैट वी हैव टू सी. फर्स्ट इज द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा, mRNA लूज हो जाएगा, एसिडिक प्रोटीन्स ऑल्सो लूज. क्या रह जाएगा? DNA और बेसिक प्रोटीन्स. वॉट इज लेफ्ट इन इट? DNA एंड बेसिक प्रोटीन्स. गॉल्गी बॉडीज ब्रेक डाउन होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे बोलते हैं एक्रोसोम. रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर नेम एक्रोसोम. इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं. ठीक है, तो गॉल्गी बॉडीज क्या बनाएंगे? एक्रोसोम. कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ दिस व्हाट वी से दिस स्पर्मेटोजोआ गेट्स कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पूरा स्ट्रक्चर किससे कवर हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. साइटोप्लाज्म ज़्यादा लॉस्ट हो जाता है और जो बचता है थोड़ा बहुत जो टेल में आ जाता है. ठीक है, स्पर्मेटोजोआ का भी स्ट्रक्चर देखेंगे हम. उसमें यू विल सी दैट इन द टेल रीजन द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म गेट्स लॉस्ट. राइट, माइटोकॉन्ड्रिया चेंजेस इनटू रिबन लाइक नेबर्न कर्न. माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बिल्कुल रिबन जैसे लगेंगे. इनको बोलते हैं नेबर्न कर्न. लर्न द स्पेलिंग नेबर्न कर्न. ओके, सेंट्रियोल्स लाई इन द नेक रीजन. यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स होंगे, वो नेक रीजन में प्रेजेंट होंगे. सो लेट्स सी द डायग्राम.